राणा ने ऐसा कांड किया, हो गई खूब जलील। ट्रोलिंग अड्डा में आज हम दुरुस्त करेंगे इनके दिमाग की कील। नमस्कार, मेरा नाम है एनी राठौर और आप देख रहे हैं ट्रोलिंग अड्डा। कुछ लोगों की ख्वाहिश होती है देश में अपना नाम रोशन करें, तो कुछ लोगों की ख्वाहिश होती है पूरी दुनिया में उनका नाम रोशन हो। ठीक उसी तरह एक प्रजाति उन लोगों की भी है जिसमें से कुछ चाहते हैं देश में जलील हो और कुछ चाहते हैं कि दुनिया भर में वो जलील हो। दूसरी वाली प्रजाति में ही आती हैं मशहूर पत्रकार राणा अयूब। राणा अयूब अपने झूठ और प्रोपोगंडा की वजह से पहले सिर्फ देश में ही जलील होती थी, लेकिन अब वो इंटरनेशनल लेवल पर भी जलील होने लगी है। पहले वो सिर्फ देश में ही गालियां खाती थी, लेकिन अब वो अपने झूठ और प्रोपोगंडा की वजह से पूरी दुनिया में गालियां खा रही हैं। इस बार राणा अयूब की भयंकर वाली बेइज्जती की है तुलसी गबार्ड ने। आपको बता दें कि तुलसी गबार्ड अमेरिका में 2020 में होने वाले चुनाव की संभावित उम्मीदवार हैं। हुआ ये कि मोहतरमा राणा अयूब ने एक आर्टिकल शेयर किया। आर्टिकल की हेडिंग थी, तुलसी गबार्ड ने हार्डली मोदी इन्वेंट निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। वैसे इस आर्टिकल को शेयर करते वक्त हमने राणा अयूब का चेहरा तो नहीं देखा, लेकिन उम्मीद है खुशी के मारे उनका चेहरा चमक रहा होगा। राणा अयूब ने इस आर्टिकल को शेयर तो ऐसे किया मानो वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स या फिर बीबीसी के रिपोर्ट को शेयर कर रही हूँ, लेकिन जब लोगों ने आर्टिकल को पढ़ने के लिए ओपन किया तो ऐसा लगा जैसे किसी ने बीकानेर बोल के नुक्कड़ वाले छज्जू राम के समोसे पकड़ा दिए हों। इस आर्टिकल को लिखा था किसी ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइनॉरिटीज ऑफ इंडिया नाम की वेबसाइट ने। इस रिपोर्ट को शेयर करके राणा अयूब वैसे ही इतरा रही थी जैसे लड़की सरोजनी से गुची के टैग वाले कपड़े खरीद कर इतराती हैं। लेकिन जल्द ही राणा अयूब के चेहरे का रंग वैसे ही उड़ गया जैसे पहली जुलाई में सरोजनी वाले गुची के कपड़े का रंग उड़ता है। तुलसी गबार्ड ने इस आर्टिकल को बकवास बता दिया। तुलसी ने राणा अयूब को जवाब देते हुए कहा कि बहन मेरी पहले से ही कुछ प्रोग्राम फिक्स कर रखे हैं, इसलिए मोदी जी के साथ मंच पर खड़ी नहीं हो पाऊंगी, लेकिन मैं जल्दी उनसे मिलूंगी और रिश्ते और मजबूत करने की बात होगी। अगर आसान भाषा में कहें तो तुलसी ने राणा अयूब दीदी का छींचा लेतर कर दिया। तुलसी दीदी का जवाब पढ़ के तो राणा अयूब यही गा रही होंगी। अरे राणा अयूब बहन बधाई हो, आप तो अब इंटरनेशनल लेवल पर भी गालियां खा रही हो। अगर जलील होने का कोई ओलंपिक होता ना तो बहन राणा अयूब गोल्ड मेडल जीतती। अगर आप किसी से पूछोगे आपकी हॉबी क्या है तो कोई कहेगा ट्रैवलिंग, कोई कहेगा राइटिंग, कोई कहेगा फोटोग्राफी, लेकिन अगर आप बहन राणा अयूब से उनकी हॉबी पूछेंगे तो वो कहेंगी मेरी हॉबी है फेक न्यूज़ फैलाना। राणा अयूब की बातों को तो भारत का सुप्रीम कोर्ट भी फिक्शनल मानता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन राणा अयूब इस यूनिवर्स की सबसे बड़ी झूठी बन जाएंगी। धन्यवाद।